हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। सो आप में से जितने भी लोग मेरे चैनल पे आते होंगे वो कहीं ना कहीं फिटनेस, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए ही आते होंगे, या फिर उनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा होता होगा इसीलिए आते होंगे। सो मैंने एक चीज़ सोची यार कि जैसे जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है उसको अपने फेवरेट क्रिकेटर्स या बाकी सब क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसका फुटबॉल में इंटरेस्ट होता है सो वो फुटबॉलर्स के बारे में जानता है। सो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अगर आपका फिटनेस, हेल्थ, लाइफस्टाइल, इन सब में इंटरेस्ट है तो आप सब भी फिटनेस फील्ड के जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं हम लोग के, उनको आप लोग जानें एंड उनके बारे में जानें, ताकि आप लोग ये बोल सकें कि भाई बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है एंड इस स्पोर्ट्स में ये खिलाड़ी आते हैं। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड के एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी के बारे में, जिनका नाम है सुनीत जाधव। सुनीत सर एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट हैं बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के, एंड इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो की थी अपने टीनेज यानी कि 13 साल की उम्र में। इन्होंने जिम कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन या कोई वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलने के हिसाब से नहीं किया था। नॉर्मली जैसे सबका होता है कि बचपन में बहुत ही ज़्यादा स्किनी थे, सो कुछ मसल मास या कुछ साइज ऐड करने के लिए इन्होंने अपना जिम ज्वाइन किया था। हालांकि इनकी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था इनको, जिसकी वजह से एंड इनके जेनेटिक्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इनको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी देखने को मिले। सो जब ये स्कूल से कॉलेज में गए तो वहाँ पे इन्होंने इस बॉडी बिल्डिंग, इस स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया एंड वहाँ से इन्होंने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने अपना मसल मास साइज ऐड किया, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की जो कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए ज़रूरी होती है। एंड कॉलेज के टाइम पर इन्होंने कुछ छोटे मोटे शोज़ भी खेले जिनमें इनकी कुछ खास पोजिशन तो नहीं आई, बट जो मेजर रोल था इनका वो वहाँ से ही बिल्डअप होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से 2014 में जब इन्होंने IBBF इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में अपना डेब्यू किया तो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, वो भी ओवरऑल कैटेगरी में। सो वहाँ से इनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होना शुरू हुआ एंड उन्होंने सोचा कि मैं और भी कॉम्पिटिशन्स खेलूँगा। सो इसी के चलते इन्होंने मुंबई में एक मुंबई श्री करके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पर भी इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में गोल्ड मेडल को जीता। अब जब ये मुंबई क्वालिफाई कर चुके थे तो वहाँ से ये गए महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र में भी एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, वो भी इन्होंने जीता गोल्ड मेडल, साथ ही साथ ओवरऑल कैटेगरी में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सो ये तीन शोज लगातार जीतने के बाद ये मिस्टर इंडिया के लिए क्वालिफाई कर गए थे एंड वहाँ पे मिस्टर इंडिया में जब इन्होंने पहली बार कंपटीशन को खेला तो वहाँ पे इनकी सेकंड प्लेस आई, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मिस्टर इंडिया एक बहुत ही बड़ा लेवल का कॉम्पिटिशन होता है एंड वहाँ पर पहली बार में सिल्वर मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ से फिर ये वापस आए एंड वापस आने के बाद इन्होंने फिर से अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की एंड 2014 से 2015 एक साल के बीच में अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही मेजर इम्प्रूवमेंट्स दिखाए एंड फिर से जो महाराष्ट्र अवार्ड होते हैं मिस्टर महाराष्ट्र के लिए इन्होंने लड़ना शुरू किया। अच्छा, 2015 में जो मेजर हाईलाइट हुए थे ये वो इस वजह से हुए थे कि 2015 में इन्होंने मिस्टर महाराष्ट्र में संग्राम चौगले को कड़ी टक्कर देते हुए उनको बीट कर दिया था उस कॉम्पिटिशन में एंड वहाँ से ये सबकी नज़रों में आने लगे कि भाई ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल वाले बॉडी बिल्डर हैं। तो कुल मिला के इन्होंने जो महाराष्ट्र श्री अवार्ड करके है वो 5 से 6 बार जीता, इन्होंने मिस्टर इंडिया भी 2 बार कंसेक्यूटिव जीता एंड इसी तरीके काफ़ी सारे छोटे मोटे बॉडी बिल्डिंग के जो शोज हैं वो इन्होंने जीते ओवरऑल कैटेगरी में एंड गोल्ड मेडल लाया। लेकिन इनके कैरियर का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था जो इन्होंने जीता था वो था मिस्टर एशिया का। इस कॉम्पिटिशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए एंड काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आए। मिस्टर एशिया में जब इन्होंने कॉम्पीट किया तो वहाँ पे इन्होंने अपनी कैटेगरी तो जीती ही जीती, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये चैंपियंस ऑफ चैंपियन ओवरऑल कैटेगरी मिस्टर एशिया जीतने वाले फर्स्ट एवर बॉडी बिल्डर बने थे। तो वहाँ से इनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई एंड लगातार वहाँ से अभी तक ये अपना पोटेंशियल साबित करते हुए आ रहे हैं। अगर हम लोग इनकी फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें सो फिज़िकल ओवरव्यू यार सबका अपना अपना नज़रिया होता है, बट मुझे इनकी बॉडी में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है इनका साइज़ एंड सिमेट्री। इनकी ओवरऑल बॉडी में कोई भी पार्ट आप लोग को
ये नहीं लगेगा कि यार ये पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, इनकी ओवरऑल सिमेट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड जब ये स्टेज पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर गजब की कंडीशनिंग लेके आते हैं हमेशा। इनके लेग्स का साइज बहुत ही बड़ा है एंड बड़े लेग्स होने के साथ साथ इनके लेग्स में प्रॉपर सेपरेशन के साथ साथ जो स्ट्राइएशंस होती हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त आती हैं। बट यार मेरा पर्सनली फेवरेट इनका मिड सेक्शन है, इनके ओब्लिक्स। इनके ओब्लिक्स जब ये स्टेज पर चढ़ते हैं एंड जिस कंडीशनिंग के साथ चढ़ते हैं उस टाइम पे इनके ओब्लिक्स यार देखने लायक होते हैं, बहुत ही गजब की कंडीशनिंग के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त ओब्लिक्स एंड अपना जो मिड सेक्शन है वो लेके आते हैं। एंड इस बारे में मैंने बात इस पिछले वीडियो में भी की थी कि यार ये अपने मिड सेक्शन को इतने ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं कि ओवरऑल चाहे वो पोजिंग कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, कभी भी आप इनके मिड सेक्शन को बाहर निकला हुआ नहीं देखोगे। सो ये एक बहुत बड़ी बात है एक बॉडी बिल्डर के लिए। सो इसीलिए मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है एज अ बॉडी बिल्डर एंड इनका जो फ्यूचर है बॉडी बिल्डिंग में वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पहले ये बोलते थे कि सुनीत सर IBBF में क्यों खेलते हैं केवल, इनको IFBB प्रो जो लीग होती है उसमें जाना चाहिए एंड ओलंपिया में इंडिया का नाम रोशन करना चाहिए। सो अभी जो रिसेंट में कंपटीशन हुए थे शेरू क्लासिक में, इन्होंने वहाँ पे कंपीट किया एंड डेफिनेटली गोल्ड मेडल तो ले ही लिया लेकिन साथ ही साथ प्रो कार्ड के विजेता भी बने। अब वहाँ से काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद इनसे बनी हुई है कि सर ने अगर प्रो कार्ड जीता है सो प्रो शोज भी ज़रूर खेले एंड ओलंपिया में खड़े होकर इंडिया का नाम रोशन करें। सो हम सबकी यही दुआ है, हम सबकी यही विशेज हैं कि सुनील यादव सर ओलंपिया में जाएं एंड वहां पे इंडिया का नाम रोशन करके आएं। विश यू ऑल द बेस्ट सर, दिस इज शुभम सिंह फ्रॉम शेप अप इंडिया साइनिंग ऑफ।